तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्ट एपिसोड जो साई होती है वो भी चैन को देखने के लिए आई होती है, और हम देखते हैं वहीं जो सैन होती है ना वो भी लिन्यू के साथ आई होती है चैन को देखने के लिए। अब हम देखते हैं चैन ये सब देख रहा होता है, वहीं हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना जो चैन के साथ में होती है, वो कह रही होती है कि देखो जरा ये क्या सारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओहो तुम ऐसा लग क्यों नहीं रहे कि तुम हैप्पी हो, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें देखने के लिए आई है और तुम खुश दिखाई नहीं दे रहे। एक मिनट, वो जो स्कूल वाली जो यूनिफॉर्म की ड्रेस में लड़की है वो भी तो कितनी अच्छी है ना। ओ वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना जो चैन के साथ में होती है, वो ना चैन को बहुत ज़्यादा छेड़े जा रही होती है, और हम देखते हैं वो ये सब देख के ना खुश हो जाती है। वो कह रही होती है कि ओहो मैं तो देख नहीं सकती सच में, तुम इतने बड़े बदमाश निकलोगे। हा। वैसे वो दोनों ब्यूटीफुल हैं, अब बताओ वो दोनों तुम्हें देखने के लिए आई हैं, आखिर तुम गॉड हो क्या। अभी वो लड़की बोलने लगती है कि देखो मैं तुम्हारी इस टाइम पे हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक को चूज़ करने में। अब चैन कह रहा होता है क्यों, वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम इन दोनों में से किसे चूज़ करोगी। अब हम देखते हैं वो हंस रही होती है बहुत ज़्यादा, वो कह रही होती है कि चलो चलो जल्दी बताओ तुम आखिर इनमें से कौन सा चूज़ करने वाले, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है। अब बेचारा चैन यहाँ पे फंस चुका होता है क्योंकि भाई वो किसी को चूज़ कर नहीं सकता। तभी वो लड़की मजे लेते हुए बोल रही होती है कि ओ ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बड़ी दुविधा में हो आ गए हो, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ चूज़ करने के लिए। देखो वो जो लड़की है ना जिसने मेरे को रास्ता बताया था, मे बी मैं ना उसे फैक्ट्री के अंदर आने देती हूँ, बताओ। अब हम देखते हैं वो गार्ड से वगैरह बात वगैरह कर रही होती है, गार्ड भी मतलब ईयरफोन लगा के बैठा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो साई होती है ना वो अंदर की तरफ देख रही होती है कि वो सोच रही होती है कि उसे आखिर अंदर कैसे आने देगा, मतलब कैसे वो जाएगी अंदर। तभी हमें ना साइड में दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ पर लेनियो भी कह रही होती है कि हमें अंदर जाने दो, क्यों नहीं जाने दे रहे। अब वो सैन के साथ में होती है, फिलहाल ये दोनों अलग अलग रास्ते पर होते हैं। तभी हम देखते हैं सैन उसे पकड़ती है, और हम देखते हैं ना सैन लेनियो को छोड़ के मतलब जाने लगती है। फिलहाल लेनियो से देख रही होती है कि आखिर इसे क्या हुआ, ये कहाँ जा रही है। लेकिन हम देखते हैं जो सैन होती है ना वो साइड में जाके चुपचाप एक साइड में कोने में जाके बैठ जाती है। फिलहाल वो बैठे बैठे रोने लगती है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो देख रही होती है, कह रही होती है कि ओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कितना प्यार करती है, देखो जरा ये चाबी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। फिलहाल हम देखते हैं वो देख ही रही होती है कितने उसे दिखाई देता है कि चैन ना किसी से बातें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सायू देखो। अब हम देखते हैं उसने ना कॉल मिलाई होती है सायू को, सायू कह रही थी देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुम कहाँ पर हो बताओ जल्दी मेरे को। अब सायू उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। चैन कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना यहाँ पर रहने रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जगह ढूंढ लो वहाँ पर जाके चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है जब पेरेंट्स आएंगे तो उनके साथ चले जाना ओके। लेकिन हम देखते हैं वो मना कर रही होती है, कह रही थी कि नहीं मैं तुमको देखे बिना नहीं जा जाऊँगी। अब वो रो रही होती है और बता भी रही होती है। तभी चैन कह रहा होता है कि देखो एक प्लेस ढूंढो वहाँ पर जाके चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे खड़े मत रहो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे इतने हम देखते हैं वो लड़की जैसी देखते हैं ना वहाँ पर हम देखते हैं गेट के पास में ना बहुत सारी भीड़ भाड़ आ चुकी होती है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आ चुके होते हैं चैन के। वो लड़की देख रही होती है, कह रही थी कि अरे भाई इतने सारे कॉल मतलब उसके पास मैसेज पे मैसेज भी आ रहे होते हैं और कॉल पे कॉल भी आ रहे होते हैं। वो लड़की देख रही होती है, तभी चैन कह रहा होता है कि देखो प्रॉब्लम क्रिएट मत करो ठीक है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम्हारा फ़ोन ही फ़ोन बजे जा रहा है, सच में तुम तो बड़े ही सेलिब्रिटी टाइप के बंदे निकले। अब हम देखते हैं चैन कॉल कर रहा होता है, अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या तुम उसे अंदर आने दोगे। अब वो ना जो जीबू होता है उसे अंदर आने की बात कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर तुम सबको ना बाहर हटाओ। चैन कह रहा होता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं जो जीबू होता है वो अंदर से बाहर आ रहा होता है, और हम देखते हैं साई उसे देख रही होती है। फिलहाल दरवाज़ा और मतलब वापस से बंद हो चुका होता है, और ऐसे करते करते ना रात हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं उनके पास ना दो तीन कार और आती है, अब जिसके अंदर ना चैन की फैमिली और जो साई है उनकी फैमिली आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं अंकल आंटी भी आ चुके होते हैं और वो भी कॉल कर रहे होते हैं चैन को। अब हम देखते हैं आंटी बता रही होती है कि देखो हम पहुँच चुके हैं। अब सामने ना जो साइयों की मम्मी होती है वो कह रही होती है कि हम लोग लेट हो गए कोई बात है, तुम रो मत रो मत। फिलहाल चैन कह रहा होता है कि देखो मम्मी पापा अपना होटल ढूंढ लो वहीं पे रह के जाना ठीक है। तभी वो कह रहा होता है कि मॉम सैन भी वहीं पे ही है। आंटी कह रही होती है कि नहीं यहाँ पर तो नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम ना दरवाजे के बाहर की साइड देखो वो दिख जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं आंटी थोड़ा साइड में देखती है, वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि एक लड़की और दूसरी लड़की भी बैठी होती है। अब हम देखते हैं वो चैन को पहचान जाती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर। चैन कह रहा होता है कि जीवो को जाने दो और रोना मत ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं सायू भी रो रही होती है अपने पेरेंट्स के सामने। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि अगर तुम मर गया ना तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। फिलहाल हम देखते हैं वो सैन के पास आता है जो जीवो होता है। अब हम देखते हैं जीवो सैन के पास आता है, वो बोल रहा होता है कि सायू चैन। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी कॉल पर सायू को होता है ना सैन इसे देख के खड़ी हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि देखो मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं अब तुम उनके साथ जा सकती हो, लेकिन सैन जाने से मना कर रही होती, कह रही थी कि देखो मेरे को नहीं जाना ठीक है। अब हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही। अब चैन ना ऐसा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना चेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तुम जाओ। लेकिन हम देखते हैं सायू रो रही होती है, कह रही होती है कि मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे मत भेजो, मैं बाहर बैठ के देख लूँगी तुम्हारा वेट कर लूँगी, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर लूँगी लेकिन मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें बिना देखे।
अब फोन कट हो चुका होता है और हम देखते हैं जीबू क्या रहा होता है कि देखो अगर साओ चैन इस टाइम पे आने की भी कोशिश करेगा ना, वो तब भी नहीं आ पाया क्योंकि रात हो चुकी है। अब लिनियो भी यही बात बोल रही होती, कह रही होती कि हाँ ये सही बोल रहा है, चलो हम चलते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि गाइस तुम सब लोग चलो यहाँ से। अब ये सायू होती है, कह रही होती है कि बहुत टाइम हो चुका है और हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सायू उनके पास आती है ये बात बोलने के लिए। फिलहाल जैसी सायू आती है ना, सैन भी उसे देख रही होती है। अब सैन भी ऐसे देखती है, सायू भी उसे देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया होता है। अब भाई इनकी जो ड्रेस होती है ना, वो दोनों की ड्रेस भी सेम होती है, बस डिफरेंस क्या है, कलर का डिफरेंस है। फिलहाल हम देखते हैं दोनों आमने सामने आ चुके होते हैं और हम देखते हैं जो साई होते हैं ना, वो उसकी ड्रेस की तारीफ कर रही होती है, कह रही थी कि तुम्हारी जो जैकेट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिलहाल जो सैन होती है यहाँ पे, वो कुछ बोल नहीं पाती, वो भी चुपचाप बस देख रही होती है इसे, क्योंकि भाई ये इंट्रो टाइप की बंदी है, मतलब कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल लिनियो भी इसे देख रही होती है, वो देख के समझ चुकी होती है कि भाई ये भी यहाँ पर आई हुई है। अब हम देखते हैं वो ना सैन को लेती, कह रही थी कि देखो चलो चलते हैं, जो चैन है उसको यहाँ पे उसके साथ जाने वाले बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं जीबू फोन लगाता है चैन को, कह रहा होता है कि चैन बहुत बुरा हुआ तेरे लिए, इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, वो मिल गए हैं। अभी चैन कह रहा होता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, खैर कोई बात नहीं, वो लिटिल फिश आखिर वो क्यों आई है यहाँ पर। अब जो जीबू होता है वो कह रहा होता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, आखिर पता नहीं मुझे क्यों आई है। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी हंस रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ क्यों आई है। अब हम देखते हैं ना वो मॉनिटर के अंदर ना वीडियो देख रही होती है, वो कह रही होती है कि जरा ये वीडियो देखो, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब वो सीसीटीवी कैमरे के ना रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर रही होती है। वहाँ पे हम देखते हैं कैमरे के अंदर लड़ाई हो रखी होती है, वो गार्ड से लड़ रही होती है, जो लेनी होती है, कह रही होती है आखिर तुम हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। तभी हम देखते हैं जो साई होते हैं ना, वो उन दोनों को लड़ते हुए देख लेती है। अब वो सोच रही होती है कि ये कहीं चैन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो देख रही होती है कि सैन भी और वो जो लड़की है दूसरी वाली, वो दोनों लड़ रहे होते हैं। अब ऐसा सायू सायू देख लेती है सैन को। अब हम देखते हैं जो सायू देखती है ना कि जो सैन है वो भी रो रही होती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है, वो जो लड़की होती है, वो दोनों ये वीडियो देख रहे होते हैं। और मतलब भाई मैं क्या ही बोलूँ, चैन का तो यहाँ पर लगने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो, वो दोनों तो एक दूसरे से मिल गए हैं, तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा, बताओ जरा मेरे को। लेकिन हम देखते हैं जो चैन होता है वो भी सिगरेट पी रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ओ हेलो तुम यहाँ पे ना स्मोक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं चैन सुन नहीं रहा होता, वो कह रहा होता है कि देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम स्टूपिड पर्सन हो, तुमने अगर उन्हें ब्लॉक नहीं किया होता तो वो लोग अंदर आ चुके होते, तुम्हारे साथ आखिर गलत क्या है, और मैं सिगरेट पी रहा हूँ उसमें क्या गलत है, बताओ जरा। अब वो डांट रहा होता है उसे, वो कह रही होती है कि अरे तुम मुझे डांट कैसे रहे हो। अब चैन कह रहा होता है कि क्या मैं डांट भी नहीं सकता। अब तभी चैन बोलने लगता है कि देखो जैसे ही बैन हटेगा ना, वैसे ही मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, जो डिलीवरी है मैं वो तुम्हें पहुँचाऊँगा ही नहीं, फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्या करने वाली हो। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ और आज से पहले मेरे को किसी ने आज तक नहीं डांटा है और तुम मुझे डांट रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, हाँ मैं तो ऐसे ही डांट देता हूँ। अब हम देखते हैं वो उसे देखे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं उस लड़की ने ना कुछ धनुष टाइप का तीर वगैरह निकाल लिया होता है। अब चैन उसे देख के ना बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हैंड्स अप, ठीक है देखो मैंने ना इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी जब मैं US में पढ़ रही थी, और अब तुम चुपचाप करके। अब हम देखते हैं वो ऐसी बात बोल रही होती है। इतने चैन कह रहा होता है कि देखो सिगरेट ना जो स्मोकिंग है वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत बेकार है, मतलब हेल्थ के लिए बहुत बेकार है, इसलिए मैं रख देता हूँ, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं मैं स्मोक नहीं कर रहा। अब उसने ना अपनी सिगरेट साइड में उड़ा दी होती है। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है देखो वैसे मैं बता दूँ, ये ना मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, अगर वो दोनों फैक्ट्री के अंदर भी आ जाते हैं क्या वो तब नहीं मिलते। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, इस टाइम ना तुम्हें बस अपने धीरज से काम लेना पड़ेगा, ठीक है शांत हो जाओ ओके। अब हम देखते हैं फैक्ट्री के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है और 8-9 बज रहे होते हैं। फिलहाल चैंग बस मैं फ़ोन चेक कर रहा होता है और हम देखते हैं वो फ़ोन में ना मैसेज वगैरह कर रहा होता है सायू को। फिलहाल इसके पास नोकिया 512 या फिर 13 जो भी है, मतलब 30-35 मुझे नहीं पता क्या है ये। फिलहाल हम देखते हैं वो मैसेज देख रहा होता है, उसने डाल दिया होता है सायू को मैसेज कि क्या तुम सो गई हो। अब हम देखते हैं वो मैसेज देख रहा होता है लेकिन उसके पास कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। फिलहाल ऐसे करते करते आधा एक घंटा बीत चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके पास अभी तक स्टिल कोई मैसेज नहीं आया होता। एट दी एंड उसके पास मैसेज आता है, वो कह रही होती है कि देखो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा ली हूँ और जो अंकल आंटी हैं उन लोगों ने भी खाना खा लिया, लेकिन वो थक चुके थे इसलिए वो सो गए। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तुम लोग अभी हो कहाँ पर, वो बता रही होती है कि हम लोग होटल में हैं। चैंग कह रहा होता है क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे बात करनी थी, वो कह रही होती है देखो तुम बाहर आ जाओ फिर हम बात करेंगे ओके। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि ठीक है। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि यार ये लड़की इसका कहीं मूड स्विंग वगैरह तो नहीं हो रहा, वैसे मैं ऐसा फील कर सकता हूँ जैसे ये स्कूल टाइम पे थी ना उससे ज़्यादा इस टाइम सेंसिटिव हो चुकी है, क्या करूँ मैं मेरी वजह से ऐसा हो रहा है ये। अब हम देखते हैं चैंग ये सब सोच रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट उधर हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो चैन होता है ना उसने सैन को फोन लगाया होता है, लेकिन हम देखते हैं वो बता रही होती है जो लिनी होती है, कह रही होती है कि वो नहाने गई हुई है, ठीक है मैं बाद में बात कर दूंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं बाद में कॉल मत करना क्योंकि रात हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं जो लिनी होती है ना वो कह रही होती है कि आखिर वो प्रीटी लड़की कौन थी जो आज रात को मिली थी।
अब वो उससे क्वेश्चन कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो चैन होता है वो कुछ बोलता नहीं, कह रहा होता है कि देखो तुम ना अपने काम से काम मतलब रखो, ओके। अब वो उसे ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं जो लिनी होती है ना, वो कह रही होती है कि देखो मैं ना अभी हॉस्टल के अंदर और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं ये मामला पब्लिक नहीं करना चाहती, मैं बस तुम्हें इतना बता देती हूँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आखिर वो जो लड़की है ना जो सहन है वो कितनी ज़्यादा स्टूपिड है, लेकिन वो तुम्हारी केयर करती है इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालना होगा। अब वो चैन को ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच मुझे इतना रिमाइंडर देने के लिए, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं जो लिनी होती है वो कह रही होती है कि देखो रात हो चुकी है और कॉल मत करना, ओके उसे रेस्ट करने दो। अब वो फ़ोन रख देती है, तभी इसके पास एक लड़की और आती है, कह रही होती है कि आखिर कौन था, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है मैं अंधी हो जाऊंगी अगर इस टाइप का बंदा मेरे को मिला तो। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो चुका होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग फैक्ट्री में वापस से आ चुके होते हैं। फिलहाल यहाँ की जो भीड़ होती है वो कल की तरह ही भीड़ होती है और हम देखते हैं सारे सारे लोग आ चुके होते हैं जो चैन के चाहने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं अंकल ना उस आंटी को पकड़ रहे होते हैं, आंटी जा रही होती है, अंकल पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या करने वाली हो, तभी आंटी कह रही होती है कि देखो मैं ना इस टाइम जो साई हुई है उसके साथ मैं खाना बाद में खा लूँगी, अभी मैं जा रही हूँ सैन के लिए जो खाना पीना है वो खरीदने और उसे देने। अब वो ये बात बोल रही होती है, अंकल कह रहे होते हैं कि यार मैं सच में पागल हो जाऊँगा, तुम भी सैन के बारे में सोचती हो क्या, तुम्हें भी दोनों चाहिए क्या बताओ। अब हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि देखो मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है मैं दोनों तरफ रह सकती हूँ ओके, क्योंकि वैसे भी वो दोनों मेरे दोस्त की मतलब मेरे बेटे की फ्रेंड है, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो भी ऊपर से इन दोनों को देख रहा होता है, अब वो ये सब सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि यार मैं समझ सकता हूँ कैसा फील हो रहा होगा, ये दोनों महिलाएं मेरा वेट कर रही हैं, सच में क्या बोलूँ मैं। अब हम देखते हैं वो कॉफ़ी वगैरह ही पी रहा होता है, तभी वो जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन देखो तुम ना कल बाहर मतलब जा सकते हो ओके। अब वो उसे ये बात बोल रही होती है, चैन कह रहा होता है क्या मैं बाहर एक्चुअली वो मैं नहीं जाना चाहता। अब चैन ना उसे मना कर रहा होता है बाहर जाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है गुड लक ठीक है तुम्हें जाना होगा। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है वो कह रहा होता है कि वैसे पता नहीं बाहर जाना ठीक होगा कि नहीं होगा, वर्ड यूजलेस है मेरे लिए और वैसे भी एक ना एक दिन मरना ही है। तभी चैन बोलने लगता है कि इन फ्यूचर भविष्य में ना तुम मेरी जो मेरा बिजनेस है उसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लो कैसा रहेगा ये बताओ, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं तीसरे दिन ना जो चैन है उसका मतलब चेकअप वगैरह हो रहा होता है, डॉक्टर कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है लेकिन जो तुम्हारी हार्ट बीट है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब चैन उन्हें क्या ही बताया उसकी हार्ट बीट क्यों फास्ट हो रही है। फिलहाल वो चैन की सांस लेता है मतलब चैन चैन की सांस ले रहा है। अब हम देखते हैं वो दरवाजे के पास आता है और वो जो लड़की होती है ना वो उसे दूर से ही चीयरअप्स कर रही होती है, कह रही थी कम ऑन तुम कर सकते हो। अब हम देखते हैं चैंग दरवाजे को देखता है और वो धीरे से ओपन कर देता है। अब वो जैसे दरवाजा ओपन करता है ना भाई हम देखते हैं बाहर भीड़ लगी होती है और मीडिया भी आई होती है, मैम मतलब मीडिया भी आ रखी है यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं सबने चैंग को हक कर लिया होता है, चैंग कह रहा था कि क्या कोई मैं नेशनल हीरो थोड़ी ना हूँ जो यहाँ पर इतनी पब्लिसिटी वगैरह हो रही है, आखिर मुझे इतना हाई स्टैंडर्ड क्यों दे रखा है। लेकिन हम देखते हैं जो चैंग की निगाहें हैं ना वो सैन को ही ढूंढ रही होती हैं, वो इधर उधर बस देख रहा होता है कि आखिर सैन है कहाँ। फिलहाल वो सोच रहा होता है क्या वो सच में चली गई, अच्छा ठीक है मैंने ही बोला था उसे जाने के लिए, अच्छा हुआ वो चली गई। अब हम देखते हैं जो साई होती है ना वो चैन को देख लेती है कि ये ना सैन को ढूंढ रहा है, लाइक उसे पता चल चुका होता है ये दूसरी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल वो कह रही होती है कि देखो तुम जा सकते हो उसे देखने के लिए पहले, चैन कह रहा होता है क्या नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो तुम जा सकते हो ठीक है जाओ। अब वो कह रही होती है कि जाओ वो तुम्हारा होटल में वेट कर रही है ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगी कि तुम कपड़े चेंज करने गए थे ओके जाओ। अब वो चैन को धक्का दे रही होती है और भगा रही होती है, कह रही होती है कि जाओ जल्दी जाओ वेट हम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा जाओ जल्दी। अब जो साई होती है वो उसे जाने की बात कर रही होती है, चैन उसे देख रहा होता है, उसे को समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। एट द एंड हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो जाने लगता है और भाग रहा होता है। फिलहाल वो भागते भागते जा रहा होता है, अब उसे देखते हैं ना जो साई होती है वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी उसके पास आती है, कह रही होती है कि क्या हुआ आखिर जो हैन चैंग है वो जा कहाँ रहा है। लेकिन हम देखते हैं जो साई होती है वो बता रही होती है कि वो कपड़े चेंज करने गया है और कुछ नहीं, लेकिन हम देखते हैं वो बताते 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 ना रोने भी लगती है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि अरे आखिर तुम रो क्यों रही हो वो तो जा चुका है ना। लेकिन हम देखते हैं जो साई होते हैं ना वो कह रही होती है कि मेरे को नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही होती है, कंटिन्यूसली रोए जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो अपनी मम्मी के मतलब उसे अपनी मम्मी को भी हक कर लिया होता है, कह रही होती है कि माँ मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट तरह में दिखाई दे रहा होता है कि जो सैन होती है ना वो भी बैठ के आराम से रो रही होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है सैन भी। फिलहाल चैंग उसके पास आ चुका होता है और हम देखते हैं ये उसी के ऑफिस में होती है। तभी हम देखते हैं जो सैन होते हैं ना वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो जो चैन है वो भी खड़ा होता है, चैन उसे सॉरी वगैरह बोल रहा होता है। अब सैन उसे देख रही होती है सॉरी बोल रहा है कि वो, अब हम देखते हैं वो कुछ नहीं बोलती और वो चुप हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि देखो मुझे माफ़ कर देना ठीक है। तभी हम देखते हैं जो सैन होती है ना वो कह रही होती है क्या मैं तुम्हें सायु चैन बुला सकती हूँ इन फ्यूचर।
अब वो उसे सायु चैन बुलाने की बात कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो चैन होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि देखो तुम मुझे सायु चैन मत बुलाओ, ठीक है, तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम ऐसा लग रही हो जैसे तुम मेरे से बड़ी हो थोड़ी सी। अब हम देखते हैं वो उसके सर में हाथ फेर रहा होता है और ये बात बोल रहा होता है। तभी वो लड़की जो सैन होती है ना, वो कह रही होती है क्या ये तुमने बाकी लड़कियों को भी ऐसा बोला था। लेकिन हम देखते हैं चैन थोड़ा ये सुन के डर जाता है, वो कह रहा होता है कि नहीं तुम बस पहली लड़की हो, ठीक है, मेरी लाइफ की पहली लड़की। अब वो ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ की पहली लड़की तो हो, लेकिन सिर्फ आज आज के लिए। अब हम देखते हैं वो अपने मन में भी ये सोच रहा होता है कि आज आज के लिए, आज की लाइफ में तुम बस मेरी पहली लड़की हो। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होते हैं वो कुछ नहीं बोलती है, वो यहाँ पे इंप्रेस हो चुकी होती है और ब्लश टाइप का कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं चैन यहाँ पे फिर से चैन की सांस ले रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ ठीक है चलो इसका मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया। वो बोल रहा होता है कि ठीक है फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आता हूँ, तुम हॉस्टल जाओ, ठीक है, आंटी भी तुम्हारा वेट कर रही हैं। अब हम देखते हैं चैन यहाँ पे खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर सैन का तो मैटर सॉल्व हो गया, अब बस सायु का मैटर सॉल्व करना है। खैर पता नहीं ये दोनों ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब वो ऐसे ही सोच रहा होता है, तभी सीन से ब्रदर हमें ना एक बिल्डिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं, यहाँ पे पार्टी सार्टी चल रही होती है। चैंग अंकल से कह रहा होता है कि अरे यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं। अंकल बता रहे होते हैं कि देखो तुम अभी इतनी मुश्किल से इतने बड़े महामारी से बच के निकले हो ना, तो तुम्हारे सम्मान के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अब चैन सायू को देख रहा होता है क्योंकि वो सायू भी बैठी हुई होती है, सायू भी चैन को देख लेती है। फिलहाल हम देखते हैं वो देख के मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, मतलब बस ऐसी मुस्कुरा रही है दूर दूर से ही। फिलहाल ये चैन को देख के ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील टाइप का हो रहा होता है, वो देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए होते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए, क्योंकि भाई चैन यहाँ पे बच के आया है। अब हम देखते हैं टीचर वगैरह भी इसे सम्मान वगैरह कर रहे होते हैं और इसके साथ चेयर्स वगैरह कर रहे होते हैं। तभी आंटी बोलने लगती है क्या हमारी लड़की को कुछ करना है क्या हैनचैंग के साथ में। फिलहाल वो ऐसा इसलिए बोलनी है क्योंकि हैनचैंग के साथ में ना वो लड़की होती है सायू। लेकिन हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि देखो बकवास बातें मत करो, ठीक है, कुछ भी गैस मत करो, वैसे भी उनका रिलेशन अच्छा है और वो मतलब बेस्ट फ्रेंड भी रह चुके हैं ना, स्कूल टाइम पे क्लासमेट थे। तभी हम देखते हैं पार्टी सार्टी हो चुकी होती है ख़त्म और हम देखते हैं सब लोग जा रहे होते हैं अपने अपने घर। तभी हम देखते हैं जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी अपने अपने जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर जा चुके होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने घर जा चुके होते हैं हांगकॉन्ग में। फिलहाल शाम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो चैन होता है ना, वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज की जो फीलिंग थी ना काफ़ी अच्छी थी और रिलेशन काफ़ी अच्छे बैठ रहे थे। तभी हम देखते हैं वो दोनों कार में होते हैं, सायू के साथ में चैन होता है, लेकिन हम देखते हैं जो सही होती है ना वो कह रही होती है कि मास्टर जो कार है ना वो रोक दो। चैंग कह रहा होता है क्यों क्या हुआ तुम्हें, क्या कॉलेज नहीं जाना क्या। अब चैंग उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि देखो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे समय से जानते हैं, लेकिन हमारे पास एक भी फ़ोटो नहीं है साथ की। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कभी लाइफ में मिले ही नहीं थे। अब वो ऐसा बोल रही होती है, कह रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल हम देखते हैं चैन कह रहा पूछ रहा होता है उससे कि आखिर फोटो का क्या मैटर है, आखिर हम फोटो क्यों लेना चाहते हैं, मतलब हमारे पास फोटो है तो ग्रेजुएशन की फोटो। लेकिन हम देखते हैं जो सायु होती है ना वो मना कर रही होती है, कह रही होती है कि वो फोटो अलग है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो फोटोशॉप पे आ चुके होते हैं, सायु कह रही होती है कि बॉस एक फोटो ग्रुप फोटो ले लो। अभी वो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें वेडिंग फोटो लेनी है, लेकिन हम देखते हैं चैन ना चिढ़ जाता है, कह रहा होता है कि अरे देखो हम अभी 20 साल के भी नहीं हुए और तुम्हें हमें अभी अभी हमारी शादी करवानी है। फिलहाल हम देखते हैं जो सही होती है वो कह रही थी कि ठीक है फोटो ले लो। अब हम देखते हैं ये दोनों फोटो वगैरह ले रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो फोटोग्राफर होता है ना वो देख रहा होता है और मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, फोटो नहीं ले पा रहा होता। चैंग पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, क्या आपका जो कैमरा सेटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है क्या। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं वो जो लड़की है ना तुम्हारे साइड में वो हमेशा हर बार रोए जा रही है पता नहीं क्यों। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हमें दिखाई देता है कि जो सायु होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कंटिन्यूसली रोए जा रही होती है। अब उसे रोते हुए ना चैन भी देख लेता है। फिलहाल हम देखते हैं चैन भी उसे देख रहा होता है कि आखिर ये रो क्यों रही है। लेकिन हम देखते हैं फिर सायु जो है चुप हो जाती है और कह रही होती है कि ठीक है मैं नहीं रोऊंगी। अब वो बोल रही होती है कि मेनली देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम सेफ हो ना, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो हंस भी रही होती है और शर्मा भी रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो अभी भी उसे देख रहा होता है और अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता, वो चुपचाप बस देख रहा होता है उसे और ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि इन लोगों की फोटो वगैरह हो चुकी होती है, ये लोग बाहर वॉक कर रहे होते हैं। सायु कह रही होती है कि देखो मैं ना कुछ पास्ट की बातें बात बताती हूँ। वो कह रही होती है कि पता है तुम्हें मेरी जो स्मॉल स्लिंग थी और जो मेरे बस्ट लाइन थी ना मैंने नई नई पहनी थी। अब वो बता रही होती है कि हम लोग पहले मूवी वगैरह देखने गए थे और मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी। अब वो ना सारी पास्ट लाइफ के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है, कह रही थी कि मैंने तुम्हारा पैजामा पहन लिया था। वो कहने लगती है कि पता है हम जो लड़कियाँ होती हैं ना उन्हें फैंटेसी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तभी चैंग बोलने लगता है कि देखो तुम पीछे की बातें क्यों याद कर रही हो, तुम आगे भी बढ़ सकती हो। लेकिन हम देखते हैं जो साई होती है ना वो कह रही होती है कि हैन चैंग देखो मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। अब वो बोल रही होती है कि पता है तुम्हें जो सिंह सिकाईयू है ना वहाँ पर एक नई शॉप खुली थी, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मेरे को वहाँ पर लेके जाओ और मेरे लिए ना एक ड्रिंक वगैरह खरीदो। मैंने सुना था कि मेरे जो
जहाँ मेरा होम टाउन है ना, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सुंदर सा फील्ड है। वहाँ पर जो फ्लावर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं चाहती थी हमेशा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाके समर वेकेशन में वो देखूँ। अब वो ये सारी बात बता रही होती है और मतलब बहुत ज़्यादा फील वगैरह कर रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग भी ये सब सुन रहा होता है, और यहाँ पर ना वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता। तभी हम देखते हैं जो साई होती है और कह रही होती है कि देखो, और अब पता है मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। अब वो ये बात बोल रही होती है। चैंग स्टिल अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता, वो चुपचाप बस सुन रहा होता है। तभी वो बोलता है अचानक कि देखो, तुम ना मुझे सायु चैन बुला सकती हो, ऐसी बात नहीं है। अब वो ये बोल रहा होता है कि तुम भी मुझे सायु चैन बुला सकती हो। लेकिन हम देखते हैं जो सायु होती है ना, वो कह रही होती है कि चैंग हैं चैंग, देखो मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो मैं जा रही हूँ। अब वो ये बोलते हुए रोने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं चैन उसे देख रहा होता है और वो कुछ समझ पाता है कि इतने हम देखते हैं जो सायु होते हैं ना, वो जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। एट द एंड हम देखते हैं वो जो सायु होती है वो उसका हाथ हटा देती है और छटकार देती है। फिलहाल वो दूर से उसका हाथ हटा देती है और चैन है उसे बस देखता ही रह जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की चुपचाप बस मुंह उठा के जा चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो चैंग को छोड़ छाड़ के जा चुकी होती है, और चैंग बेचारा बस खड़े होकर देख रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ। खड़ा हूँ आज भी वहीं, इस टाइप का गाना मुझे आज भी याद आ रहा होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मतलब पता नहीं, छोड़ खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ना, चैंग ने मतलब 2-3 दिनों के बाद चैंग ने उसे कॉल मिलाया होता है साहिब को, लेकिन उसका जो फ़ोन होता है ना वो अभी भी स्विच ऑफ जा रहा होता है और पावर भी ऑफ हो चुकी होती है उसके फ़ोन की। फिलहाल यही सब चल रहा होता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं जो जून होता है ना, उसकी समर वैकेशन चल रही होती है, और जो चैन है वो हांगकॉन्ग आया होता है। वहीं पर हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि चैन, तुम्हें पता है जो साई है ना, वो प्रोफेशनल बन चुकी है। चैंग पूछ रहा होता है कहाँ और कैसे, कहाँ से। वो बता रहा होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस लॉ और ट्रेड से। वो पूछ रहा होता है चैंग की आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, बताना जरा। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन उसे सारी एक्सप्लेनेशन बता देता है कि जो डिफरेंस वगैरह है वो भी बता देता है। चैंग ये सब सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो चैन है ना, वो उसी फ्लावर के पास आ चुका होता है जहाँ पर साइयो ने मैंसन किया था कि उसे वो देखना है। फिलहाल वो अभी भी यहीं पर खड़ा है, और खड़ा हूँ आज भी वहीं, इस टाइप का गाना चल रहा होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मतलब फिलहाल हम देखते हैं पत्तियाँ वगैरह उड़ रही होती है और चैंग स्टिल अभी भी खड़ा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि अगस्त का सीन मतलब एंड हो चुका होता है, और हम देखते हैं जो फर्स्ट ईयर है ना वो आ चुका होता है। फिलहाल चैंग अभी भी देख रहा होता है उन लोगों को। अब उसे ना अपनी पास्ट लाइफ याद आती है कि जो से मतलब बहुत पहले वो बस स्टैंड के पास में कैसे उसने साइयों को छेड़ा था, और जो साइये वो चिल्ला के बोल रही थी कि मेरे फादर ने तुम्हें मेरी खेल करने के लिए बोला है। तभी हम देखते हैं जो चैन होता है ना, वो आके चुपचाप बस लेटा होता है। तभी पीछे ना 2-3 बंदे लड़ रहे होते हैं, वो दोनों दोस्त लड़ रहे होते हैं, कह रहे थे कि नहीं मैं इस लड़की का ख्याल रखूंगा, नहीं नहीं मैं ख्याल रखूंगा, इस टाइप का कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चैंग के पास में एक लड़की और आती है। अब हम देखते हैं उसका सूटकेस वगैरह भी होता है चैंग के पास में। चैंग कह रहा होता है कि देखो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है ना, तो वहाँ पर जाके पूछो, मेरे को परेशान मत करो, ठीक है, मैं नहीं कुछ बताने वाला। अब चैंग साफ साफ मना कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की स्टिल खड़ी होती है। चैंग बस उसे थोड़ी देर तक मतलब ऐसे ही लेटा होता है, फिर अचानक वो देखता है उसे। अब वो जैसे ही देखता है ना, वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई ये जो लड़की होती है ना, ये चैंग के जानने वाली होती है। अब मैं बता दूं आखिर ये लड़की कौन है। ये लड़की ना वही है जो चैंग की मम्मी है ना, उसकी जो दोस्त है, ये उनकी बेटी होती है। अगर आप लोग को याद होगा, लास्ट टाइम जो चैन ने फ़ोन लिया था, तब इस लड़की ने ना चैंग को मैसेज किया था QQ पर। तभी चैन ने बोला था कि मेरे को ना लड़कियाँ पसंद नहीं है, मेरे को अंटियाँ पसंद है, इस टाइप का मैसेज किया था। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि ब्रदर, बहुत लंबे समय के बाद मैंने तुम्हें देखा है। चैंग उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की हाजिरी होती है बहुत ज़्यादा। चैंग पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वो लड़की बता रही होती है कि मैं कॉलेज में आई हूँ, और क्या। अब वो बता रही होती है कि मैं कॉलेज में आई हूँ, तुम्हें पता है डिफरेंस क्या है, पता है मैंने स्कोर ना 550 पाया था, मैं 590 ला सकती थी लेकिन मैंने 550 ही पाया। चैंग मुस्कुरा रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ है। वो बता रही होती है कि देखो, मेरी मम्मी ना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रही है, इन्फॉर्मेशन वगैरह कर रही है, प्राप्त कर रही है। तभी वो कह रही होती है कि हमारी फैमिली ने ना एक फंक्शन किया था और मैंने तुम्हें इनविटेशन भेजा था, लेकिन तुम आए नहीं, तुम्हारे फादर ने बोला कि तुम यहाँ पर हो, मैं इसलिए आ गई तुम्हें देखने के लिए। तभी हम देखते हैं उसे ना एक बोतल दिखाई देती है, ये बोतल ना खतरनाक वाली बोतल होती है। चैंग पूछ रहा होता है आखिर तुम कर क्या रही हो। वो कह रही होती है कि मुझे प्यास लगी है, इसलिए पानी पीने, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। चैंग कह रहा होता है कि ये ड्रिंक नहीं है, ठीक है, मतलब पानी नहीं है, कुछ हो रही है। वो कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मतलब नफरत तो नहीं है, क्या है, कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं चैंग ना अपने दोस्त को चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू कर क्या रहा है, कुछ काम करना। लेकिन हम देखते हैं उसका दोस्त ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो कह रहा होता है कि भाई यार, मुझे एक लड़की पसंद आई थी, वो भी मेरे दोस्त ने छीन ली। खैर, अरे ये जूनियर कौन है। अब वो उसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये जूनियर कौन है। अब चैंग उसे बता रहा होता है कि इसका नाम ना लियो सियांग है और ये नई लड़की है, मतलब फर्स्ट ईयर में ही है। अब वो पर्सन खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है। वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर, देखो मैं जिंग हूँ, ठीक है, और तुम्हारा सीनियर, और तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की ने पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है मेरे ब्रदर चैंग से। वो पर्सन बता रहा होता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे साथ ही हॉस्टल में पढ़ता है, ठीक है, और ये मेरा चौथा बेस्ट फ्रेंड है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की छोटी सी वाली बता रही होती है कि ठीक है फिर, तुम ना मुझे आपसे जूनियर सिस्टर मत बुलाना, ठीक है,
मैं ब्रदर चैंग की ना गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे भाभी बुला सकते हो। अब भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, आखिर इस लड़की ने बोला कि मैं ब्रदर चैंग की गर्लफ्रेंड हूँ, और ब्रदर भी लगा रही है और गर्लफ्रेंड भी बन रही है। फिलहाल हम देखते हैं, वो पर्सन ना पूछ रहा होता है कि भाई क्या हुआ, ये कौन है। अब वो चैंग से पूछ रहा होता है, चैंग कह रहा था कि ये कोई पागल लड़की है। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, इसे कोई थोड़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल हम देखते हैं, वो कहने लगती है कि ब्रदर चैंग मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, समझे। अब वो जैसी बात बोलती है ना, हम देखते हैं वो पर्सन जो चैंग का दोस्त होता है वो सौगड़ हो जाता है। चैंग कह रहा था कि भाई तू उसे लेके जाना, लेके जाए इसे। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त ना उसे थोड़ी तारीफ वगैरह कर रहा होता है। चैंग कह रहा होता है कि देख अगर तू इसे लेकर जाएगा ना, तो तू जिस लड़की को कहेगा ना, मैं उस लड़की की तुझे QQ ID दिलवाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं भाई उस पर्सन ने ना चैंग की इतनी तारीफ करी होती है, तुम लोग भाई पढ़ सकते हो, इतना लंबा पैराग्राफ उसी के बारे में है। फिलहाल हम देखते हैं उसने बहुत ज़्यादा तारीफ वगैरह कर रखी होती है और करे जा रहा होता है कंटिन्यूसली। फिलहाल वो लड़की ना बहुत ज़्यादा सौगड़ जाती है और कह रही होती है, क्या मतलब इसकी इतनी सारी एबिलिटी है और ये अभी बस सेकेंड ईयर में ही है। अब भाई हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना चैंग का दोस्त, वो बहुत सारी तारीफ वगैरह कर चुका होता है चैंग की। अब ये लड़की सुन के बहुत ज़्यादा सौगड़ हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं चैंग का दोस्त कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि आखिर जो हीरो हैं वो कहाँ से आते हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बात ही नहीं बात करती है उससे, वो इसे इग्नोर कर रही होती है। उसकी मम्मी भी आ चुकी होती है उसके पास में। हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मॉम देखो जरा मेरा बॉयफ्रेंड कितना औसम है ना। उसकी मम्मी कह रही होती है कि देखो बकवास बकवास वाली बातें करना बंद कर दो, ठीक है, तुम अभी बहुत शाई पर्सन हो, ओके। लेकिन हम देखते हैं चैन का दोस्त अभी भी तारीफ कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें पता है ब्रदर आखिर इतने पावरफुल कैसे हैं, क्योंकि जो इनकी गर्लफ्रेंड है ना वो बहुत ज़्यादा लो की वाली है। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि पता है तुम्हें इस पूरी यूनिवर्सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है वो। अब हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है जो छोटी वाली होती है, कह रही होती है आखिर वो कहाँ मिलेगी। अब वो पर्सन बता देता है कि वो 101 में मिल जाएगी, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, ठीक है, किसी से ही पूछ लेना। अब सीन शिफ्ट उधर में दिखाई देता है कि वो जो छोटी सी लड़की होती है ना वो 101 में आ चुकी होती है। लेकिन यार कॉलेज स्टूडेंट के अंदर ये आखिर छोटी सी बच्ची क्या कर रही है। फिलहाल हम देखते हैं जो लिनी होती है वो काम वगैरह कर रही होती है कुछ छोटा मोटा। तभी हम देखते हैं वो उस लड़की को देखती है, छोटी बच्ची को। अब ये छोटी सी लड़की जिसका नाम लियो होता है वो आके बस देख रही होती है रूम के अंदर। तभी हम देखते हैं जो लिनी होती है वो पूछ रही होती है कि हेलो क्या तुम्हें कोई डिलीवरी वगैरह करवाना है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे वाह मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बॉयफ्रेंड का जो स्टोर है वो इतना अच्छा होगा। अब लिनियो सौगड़ जाती है, कह रही थी क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तभी लिनियो मिन नाम की लड़की से बात कर रही होती, कह रही थी कि देखो एक और फैन लड़की आ गई है, मुझे लगता है ये फ्रेशर है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती कि हाँ वैसे भी हमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो चैन को पसंद करती हैं और ये भी मुझे लगता है प्यार में पड़ गई है, कन्फ्रेंस करने आई है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना लियो, वो कह रही होती कि अरे तुम दोनों सरप्राइज़ क्यों नहीं हुए, देखो मैं भी यहाँ पर खेलने के लिए आई हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो लियो होती है लिनियो होती है ना वो कह रही होती कि देखो तुम्हें नहीं पता क्या और आखिर हम सरप्राइज़ क्यों हुए, वैसे भी पता है तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ चैन को पसंद करती हैं लेकिन फिर भी कोई भी उसे नहीं पटा पाया। तुम भी नहीं पटा पाओगे, तुम्हें पता है आखिर वो लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। वो पूछ रही होती है क्यों नहीं हो पाए, उसके मुंह पर क्वेश्चन मार्क होता है। वो कह रही होती है क्योंकि 101 के अंदर एक चट्टान है, चट्टान जिसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। अब ऐसा ना लिनियो बोल रही होती है, वो लड़की अभी भी नहीं समझ पा रही होती, वो कह रही होती है क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है देखो तुम्हारे जैसे जूनियर सिस्टर है ना उसके कंपेयर कर ही नहीं सकती सैन की, ठीक है, तुम मतलब तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं होगा, ओके। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोल रही होती हैं। वो लड़की कह रही होती है कि कौन आखिर कौन है वो, बताओ जरा मेरे को आखिर कौन है, कोई बोल क्यों नहीं रहा। अब ऐसा ना वो जो लड़की होती है लियो वो बोले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो लिनी होती है ना वो कह रही होती है कि सैन देखो बाहर ना जितने भी सारा सामान है वो अंदर की तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि बारिश बाहर बारिश होने वाली है, ओके। अब हम देखते हैं लिनी उसे ये बात बोल रही है और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना लियो वो देख रही होती है सैन को। फिलहाल हम देखते हैं उसने सैन को देख लिया होता है और सैन ना उसे खतरनाक टाइप की लग रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सैन के हाथ में कुछ सामान होता है, अब वो लड़की देख रही होती है उसे। फिलहाल हम देखते हैं सैन बाहर जा चुकी होती है क्योंकि बाहर ना बारिश वगैरह आ चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सैन बाहर से सारा सामान लेके आ चुकी होती है अंदर की तरफ। अब हम देखते हैं वो अंदर ला के चुपचाप रख देती है सारा सामान। फिलहाल हम देखते हैं वो छोटी लड़की बस सैन को ही देखे जा रही होती है कंटिन्यूसली। तभी लिनियो बोल रही होती है कि देखो अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा, अब नहीं बोलना क्या तुम्हें कि तुम्हें खेलना है, बताओ बताओ। अब वो उसे चिढ़ाई जा रही होती है, वो कह रही होती है खैर छोड़ो तुम्हारा चेहरे से ही दिख रहा है तुम्हारी पर्सनैलिटी ही, तुम तो उसकी कंपेयर भी नहीं कर सकती, छोड़ो जाने दो जाने दो। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं जो सैन होती है ना वो अपना थोड़ा स्टाइल वगैरह मार रही होती है। अब मुझे नहीं पता बाकी आखिर इसने इतनी स्टाइल वगैरह क्यों मारी। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही ऐसा करती है ना भाई, हम देखते हैं लियो के ना दिल में चुभ जाती है ये बात। फिलहाल हम देखते हैं वो चुपचाप भागती हुई जा रही होती है, कह रही होती है कि मैटर नहीं करता मुझे पता है तुमने पपाया खाया है, मतलब पपीता खाने से आखिर ऐसा क्या हो सकता है। खैर हम देखते हैं बारिश वगैरह आ रही होती है और हम देखते हैं वो लड़की ना बाहर आ चुकी होती है और देख रही होती है कि बारिश वगैरह हो रही है। तभी हम देखते हैं उसके पास ना सैन आ चुकी होती है छाता लेके। अब वो छाता लेके आ चुकी होती है, वो लड़की देखती है उसे आखिर ये मेरे को छाता क्यों दे रही है, वो ऐसा अपने मन में सोचती है। तभी हम देखते हैं वो उसे पूछ रही होती है सैन से क्या क्या आखिर तुम मुझे जानती हो क्या। अब वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे जानती हो, लेकिन हम देखते हैं जो सैन होती है ना वो मना कर रही होती है, मुंडी हिला रही होती है, नहीं नहीं मैं नहीं जानती।
फिर हम देखते हैं, वो जो लड़की होती है लियो, वो पूछ रही होती है कि तो फिर तुमने आखिर मुझे छाता उधार क्यों दे रही हो, बताओ। सैन कह रही होती है कि देखो बाहर बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है, मैं इसलिए तुम्हें देना चाह रही हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की उसे अभी भी कंटिन्यूसली घूरे जा रही होती है और कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं वो लड़की ना गुस्से में बाहर जा चुकी होती है बारिश में। वो कह रही होती है कि देखो मैं खुश हूँ, अगर मुझे सर्दी भी लग गई ना मैं तब भी खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अम्ब्रेला तो मैं नहीं लूँगी उधार। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। तभी हम देखते हैं सैन के पास में लेनियो आती है। वो कह रही होती है कि योंचू देखो तुम्हें ना इतना काइंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के प्रति, वो तुम्हें अप्रिसिएट ही नहीं करते। फिलहाल हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और शाम का 7 बज चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन ना चैंग के पास आता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर बात बोलनी चाहिए क्योंकि फ्रेशर आ चुके हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है, चैंग कह रहा होता है कि देखो मैं खुश नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं करने वाला माई लॉर्ड। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे रेपुटेशन की बात है, ठीक है इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा, कभी ये तो कभी वो, देखो तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि आखिर किसने बोला था मेरे नाम देने के लिए, बताओ। अब हम देखते हैं वो जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो कह रहा होता है कि देखो तुम ना स्टूडेंट यूनियन रह चुके हो पहले, और मैं बता दूँ इस बार ना स्टूडेंट यूनियन के अंदर मैन पावर है ही नहीं, सारी लड़कियाँ लड़कियाँ हैं। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार तुम वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो किसे देने वाले हो, बताओ ज़रा। अब वो इससे पूछ रहा होता है, ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो इस टाइम में डिफरेंट है क्योंकि तुम पहले ही, बहुत पहले ही वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो, लाइक जो ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर तुम वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो, और उसके बाद तो तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनना ही है। चैंग कह रहा होता है कि हाँ तो लेकिन मेरी ड्यूटी क्या होगी, लाइक मेरे को क्या करना होगा। वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे इट्स कोई बात नहीं, तुम आराम से पहले चिल करो, ठीक है तुम बस अग्री कर जाओ। चैंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं अग्री कर जाता हूँ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, अभी जो मैटर करता है ना वो असेंबली हॉल का मैटर करता है, उसके अंदर फ्रेशर आ रखे हैं, उसे मतलब मैनेज करना है। चैंग कह रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ना स्क्रिप्ट वगैरह का पता नहीं मुझे, ठीक है स्क्रिप्ट वगैरह रेडी करवा दो। वो पर्सन कह रहा था कि छोटी सी बात मैं भी करवाता हूँ ना। अब इन दोनों का मैटर सॉर्ट आउट हो चुका होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना उसके साथ में लिनियो भी आती है। चैंग कह रहा होता है कि देखो मैंने जो प्रॉमिस किया था ना वो मैं करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें ना स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की ना चैंग को देख रही होती है, कह रही होती है कि देखो ये अच्छा नहीं है, मतलब मेरे को रिलेशनशिप टाइप का फील हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो ये मैटर नहीं करता, ओके देखो वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, अगर तुम इस कोर्ट यार्ड में ज्वाइन करती हो तो फिर मैं तुम्हें सेक्रेटरी बना दूंगा, अगर तुम डिपार्टमेंट में ज्वाइन करती हो तो मैं तुम्हें डिप्टी डायरेक्टर बना दूंगा। अब वो ये सारी बात बोल रहा होता है, तभी लिनियो कह रही होती है क्या मैं दोनों में ज्वाइन कर सकती हूँ, बताओ। चैंग कह रहा होता है क्या तू तो सच में जिन जैसी बेशरम है, बेशरम। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना चैंग के हॉस्टल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके जो दोस्त होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि अरे यार मैंने एक लड़की की हेल्प करी लेकिन उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी हेल्प करी लेकिन उसने मेरे से एक्स्ट्रा पानी की बोतल ले ली। अब इन लोगों के बीच में चल ही रहा होता है, वो पर्सन कह रहा होता है कि यार तेरे ओपिनियन क्या है, अरे मैं तो लड़कों का बैग उठाते ही नहीं, मैं लड़की की हेल्प करता हूँ। अब ये सारी बातें हो रही होती है, चैंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। चैंग ना बस उन लोगों को देख ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बज जाता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड का फ़ोन होता है। चैंग पूछ रहा होता है कि हाँ डैड क्या हुआ, कैसे याद कर लिया आपने। जो अंकल होते हैं ना वो बता रहे होते हैं कि मैं अभी ना सायू के घर पर आया था उनके फादर से बात करने के लिए बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने मेरे को हेलो हाय भी नहीं किया और उन्होंने मतलब अजीब सा फेस बनाने लगे। फिलहाल हम देखते हैं चैंग ये सारी बातें सुन रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं वो ना सायू के बारे में याद करने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि डैड देखो अभी ना मेरे पास जो कॉलेज है ना वो स्टार्ट होने में कुछ टाइम बाकी है, तो मैं अभी हांगकॉन्ग आ रहा हूँ, ठीक है मैं कल आता हूँ और अंकल के पास जाके उनसे माफ़ी वगैरह मांगूंगा एज अ पर्सनली। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो चैंग होता है ना वो वापस से हांगकॉन्ग आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो दरवाजे पर नॉक नॉक करता है और हम देखते हैं अंकल दरवाजा ओपन करते हैं। फिलहाल चैंग के हाथ में ना दो पार्ट मतलब गिफ्ट टाइप का होता है, वो एक्चुअली मे बी हो सकता है कि वो शराब की बोतल हो। फिलहाल हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि देखो सायू जा चुकी है स्कूल और आंटी गई हुई है बिजनेस ट्रिप पे, ठीक है बाकी घर में कोई भी नहीं है, चलो ठीक है इस बार मैं ही अकेले घर पे हूँ। अब हम देखते हैं अंकल ना शराब की बोतल निकालते हैं और कह रहे थे कि चलो अब हम बात करते हैं खुल के। चैंग देख रहा होता है उसे उन्हें और कह रहा होता है कि क्या क्या ये दारू पीने वाले हैं, अरे नहीं। अब हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि यो लड़के तू कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी तेरे को चेस करती थी और तू जानता था लेकिन तूने ऐसी हरकतें करी, तूने उसे चेस करने ही नहीं दिया, अगर मैंने तुझे देखा नहीं होता बचपन से अब तक तो मैं तेरी टांगे तोड़ देता। चैंग कह रहा था कि अरे अंकल देखो मैं ऐसा कोई एक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो तो बस कुछ गलत फहमी हो गई है और सायू मैं ठीक कर दूंगा लेकिन मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। नहीं मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करने वाला, अगर तू मुझे डैड भी बुलाता है मैं तब भी तेरी हेल्प नहीं करूँगा। देखो आपने क्या बोला, क्या मैं आपको डैड बुलाऊँ। अब हम देखते हैं चैंग ना ऐसा कुछ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैड प्लीज़ हेल्प करो मेरी। अब वो जैसे ही बात बोलता है हम देखते हैं अंकल शॉक हो जाते हैं, वो कह रहे होते हैं क्या कहा तूने। चैंग कह रहा होता है कि डैड देखो मैं आपका कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं उठाना चाहता, अगर मैं आपको डैड बुलाता हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपको डैड ही बुलाऊँगा, सिंपल।
डैड मेरी हेल्प करो ना, डैड प्लीज़ सायु का मैटर मेरे से सॉर्ट आउट करो ना, वो बहुत गुस्सा हो चुकी है मेरे से फिर से। अब हम देखते हैं अंकल को पसीने वगैरह छूट चुके होते हैं और भाई उनका मुंह ना मतलब फूटने वाला होता है। तभी हम देखते हैं अंकल ना डेस्क पर नीचे गिर चुके होते हैं, चैंग देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे अंकल सायु उठो, ड्रिंक प्रिटेंड मत करो, ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुमने ड्रिंक कर ली है। लेकिन भाई अंकल को तो खर्राटे वगैरह आ रहे होते हैं। चैंग कह रहा होता है कि डैड देखो इस बार आप मेरी हेल्प कर दो ना डैड, मैं आपको बहुत सारा दारू पिलाऊंगा, डैड उठो। अब हम देखते हैं वो चैंग उसी को देख रहा होता है अंकल को और कह रहा होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं भाई अंकल सो रहे होते हैं। तभी चैंग कह रहा होता है कि खैर छोड़ो भूल जाओ, मुझे यहाँ पे सारी साफ सफाई करनी होगी और मैं यहाँ से चलता हूँ। अब हम देखते हैं चैंग दरवाज़ा बंद कर देता है और हम देखते हैं उसने ना अंकल को रूम में बैठा दिया होता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अंकल की आँख खुलती है। अंकल कह रहे होते हैं कि ये लड़का सच में बहुत बेशरम है, सायु को वो मना लेता है पता नहीं कैसे। फिलहाल हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि खैर छोड़ो कोई बात नहीं, इस बार मैं कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला उसकी, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे मैंने नशे में था, खैर कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं जैसे दरवाज़ा ओपन करते हैं ना और हम देखते हैं अंकल शॉक हो जाते हैं क्योंकि भाई चैन ने ना इतनी साफ़ सफाई करी होती है, घर पूरा चमक रहा होता है। और हम देखते हैं चैन ने ना टेबल पे एक गिलास रखी होती है जिसके अंदर ना डैड लिखा होता है। अब अंकल ये देख के ना और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, फिलहाल उसके अंदर कोई दूध वगैरह होगा और उसमें डैड लिखा होगा। अंकल कह रहे होते हैं कि ये लड़का सच में ऐसा 20 साल का भी हुए नहीं है और ये मेरे को दादा बनाना चाहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाई देता है कि जो चैन होता है ना वो घर पे आ चुका होता है अपने। आंटी कह रही होती है कि आखिर तुमने इतनी दारू क्यों पी, जब तुमसे हैंडल नहीं होती तो। देखो माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है अगली बार से ऐसा मत करना। अंकल भी बोल रहे होते कि देखो तुमने ऐसे मत बोलो कोई बात नहीं, ये आ गया है ना। आंटी कह रही होती है कि ठीक है फिर तुम जाओ जाके नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाती हूँ और अगली बार से दारू वारू पीने की कोई जरूरत नहीं है, ओके समझे तुम, जाओ जाके नहा धो लो। अब सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाई देता है कि चैन अपने रूम के अंदर ना ड्रैगन बॉल की जो कॉमिक होती है वो पढ़े जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं आंटी उसके पास आती हैं और चैन आंटी को देख रहा होता है। आंटी अंदर की तरफ आती हैं और उसके पास आके बैठती हैं और कह रही होती है कि तो देखो अब तुम सैन को चेस कर रहे हो है ना और उसके साथ में खुश भी हो है, तो ठीक है उसके साथ अच्छे से रहना। अब आंटी ये बात बोल रही होती है चैन से और कह रही होती है कि देखो वो अच्छी दिखती है और उसकी बॉडी फिगर अच्छी भी है, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि आखिर किसने बोला कि मैं सैन को चेस कर रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि मेरी और थोड़ी जो सायु है उसके बीच में थोड़ी गलतफहमी हो गई है, बाकी हम लोग सब ठीक कर देंगे। अब जैसे चैन ये बात बोलता है हम देखते हैं आंटी ना उसे घूर रही होती है, कह रही थी क्या मतलब क्या है तुम्हारा। आंटी कह रही होती कि तुम अभी भी और परेशान करोगे लोगों को। चैंग कह रहा होता है कि इसमें बुरा क्या है परेशान करना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब चैंग ऐसा बोलना बात बोल रहा होता है, आंटी देखती है उसे। चैंग कह रहा होता है कि देखो हम क्लासमेट हैं तो क्या हम घर भी नहीं जा सकते क्या, मैं तो बस ऐसे ही गया था घर के अंदर। अब आंटी कुछ बोल नहीं पाती, वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके जा चुकी होती हैं। चैंग उन्हें बस देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मॉम लेकिन हैंगओवर सूप वो कहाँ है। आखिर हम देखते हैं चैंग का जो हैंगओवर सूप होता है वो भी नहीं आया होता। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाई देता है कि कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है और हम देखते हैं जो चैन होता है वो अनाउंसमेंट वगैरह कर रहा होता है स्टेज पे खड़ा होकर। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि गाइस देखो तुम्हारी तरह मैंने भी अपना जो घर बार है वो छोड़ छाड़ के इस कॉलेज में आया था और मतलब फालतू की बातें वगैरह कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जो चैन होता है ना उसकी स्पीच वगैरह चल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं दो तीन लड़कियां ना कह रही होती कि यार कितना बोरिंग है सच में, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, हाँ मैं पागल हो जाऊंगी। दूसरी लड़की कह रही होती कि यार मैं तो धूप में सूख जाऊंगी सच में। तभी हम देखते हैं पीछे से एक लड़की कह रही होती कि देखो तुम लोग देखो वो जो लड़का है ना चैन वो मेरा बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड। अब वो ये बात बोल रही होती है, वो लड़की कह रही होती है क्या क्या तुम पागल हो गई हो, मजाक करना बंद करो, देखो मुझे पता है उसकी पहले से ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो पर्सन कह रही होती है कि हाँ, दूसरी लड़की भी यही बात बोल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है अरे तुम्हें पता भी है गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, वैसे भी मेरे से ज़्यादा कोई इससे प्यार नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है और अपने में लगी पड़ी होती है, कह रही होती है कि देखो तुम्हें पता है ब्रदर चैन और मैं हम दोनों को ना एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। वो लड़की कह रही होती है क्या अच्छा सच में, देखो स्पीच खत्म होने के बाद ना तुम मेरी बातचीत कराना ओके। अरे क्या प्रॉब्लम है बातचीत मैं करवा दूंगी। तभी हम देख चैन इन तीनों को पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि देखो बड़बड़ाना बंद करो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं स्पीच वगैरह खत्म हो चुकी होती है, चैंग ना बाहर आ चुका होता है। अब हम देखते हैं वो बाहर चल रहा होता है और देख रहा होता है। फिलहाल उसे ना सामने एक वही कॉलेज दिखाई देता है जहाँ पर सायु पढ़ती थी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि पहले मैं यहाँ पे आया करता था लेकिन अब तो आने का कोई रीज़न ही नहीं है। अब वो उस कॉलेज को देखे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उस कॉलेज के ठीक बाहर ना जिस डेस्क पे बैठा हुआ था बहुत पहले सायु के साथ में वहीं पे जाके बैठ जाता है। अब हम देखते हैं वो पास्ट लाइफ मतलब याद कर रहा होता है जो जो उसने सायु के साथ बिताई होती है। अब वो यही सब सोच रहा होता है कि पहले वो कैसे सायु के साथ बैठा हुआ था और आइसक्रीम वगैरह खा रहा था। फिलहाल हम देखते हैं वो सारी इंसिडेंट ना याद वगैरह कर रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगी लेकिन तुम आज यहाँ पर कैसे।
अब एक लड़की ना इसके ठीक बगल में आई होती है, लेकिन चैंग को नहीं पता होता। चैंग उसे देखता है और कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे। अब मैं बता दूँ आखिर ये लड़की कौन है, ये लड़की वही है जिस लड़की ने ना चैंग को सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर दिया था। अब ये लड़की वही है अगर आप लोगों को याद होगा तो। फिलहाल हम देखते हैं चैंग उसे देखता है, कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे, तुम कब आई, मैंने तो तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। वो लड़की कह रही थी कि ये देखो तुम्हें क्या लड़कियों को चीटिंग करना पसंद है। अब वो सही ये बात पूछ रही होती है। चैंग कह रहा होता है क्या आखिर तुमने मेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछा। वो लड़की कह रही होती है कि अरे ऐसे ही देखो मैंने तुम्हें ना अपना फ़ोन नंबर दिया था लेकिन तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया अभी तक, और कम से कम 1 साल हो गया तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। चैंग कह रहा था कि अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। वो तभी चैन अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास आयु का फ़ोन नंबर तो है लेकिन मैं उसके जो लैंडलाइन नंबर है उस पर कॉल क्यों करूँ। अब वो यही सब सोच रहा होता है तभी हम देखते हैं ये लोग साइड में चलते हुए बातें कर रहे होते हैं। चैंग कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा सुंदर सा बॉयफ्रेंड कहाँ गया। वो कह रही होती है कि उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, अब वो सायु के पीछे पड़ा है और सायु तो यहाँ से चली गई इसीलिए उसका दिल टूट गया। वैसे मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा हाथ वगैरह पकड़े, मतलब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है। चैंग उसे देख रहा होता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिलहाल वो सिगरेट पीता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अच्छा। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि चलो देखो टाइम हो गया डिनर करने का, तो मैं तुम्हें ना डिनर के लिए ट्रीट देना चाहती हूँ। अब वो लड़की ना चैंग को डिनर ट्रीट की बात कर रही होती है। चैंग कह रहा होता है कि नहीं मेरे को ना अपने कॉलेज जाना होगा, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मैंने सुना है कि जो सायु है ना वो 1 हफ्ते के अंदर ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई अपने कॉलेज के अंदर। अब जो चैंग होता है ना वो उसकी बात देखता है, कह रहा होता है कि ठीक है चलो डिनर पे चलते हैं। अब भाई बात सायु की है तो वो जरूर जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो बाय बाय कर रहे होते हैं। चैंग कह रहा होता है कि ठीक है। वो लड़की कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे। फिलहाल हम देखते हैं चैंग उसे जाते हुए देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपना फ़ोन निकालता है और हम देखते हैं उसने ना जीबू को फ़ोन मिला दिया होता है। कह रहा होता है कि जीबू देखो तुमने सायु को इन्वाइट किया है तो तुम मेरे को भी इन्वाइट कर रहे हो ठीक है, और तुम इसे सेम ये मत बताना कि मैं आने वाला हूँ। वो लड़का कह रहा होता है कि अरे लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना। वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं चीटिंग होने तो वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है ठीक है, तुम बस कुछ मत करना ओके। फिलहाल हम देखते हैं जी वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं यार अगर मान लो उसे पता चल जाएगा फिर बहुत बुरा होगा। अरे देखो जीबू तुम उसे क्लाउड को देख रहे हो। अब हम देखते हैं चैंग उस क्लाउड की बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ देख रहा हूँ आखिर क्या दिक्कत है उसके अंदर। अब हम देखते हैं चैंग उस क्लाउड को देखता है और देखने के बाद बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ना मेरे 3,000 रुपये ले रखे हैं ठीक है, कब देने वाले हो वो। अब वो पर्सन कह रहा था क्या मैंने तुम्हारे 3,000 रुपये कब लिए। अब जो जीबू होता है वो मना कर रहा होता है, कह रहा था कि मैंने तो तुम्हारे 3,000 रुपये लिए ही नहीं। फिर हम देखते हैं चैंग उसे याद दिला रहा होता है कि इसने कब कब इसके पैसे लिए होते हैं। जीबू कह रहा था कि इट्स ओके ठीक है बोलना बंद कर दो ठीक है मैं समझ गया। अब हम देखते हैं चैन बोलने लगता है कि या तो तुम मेरे पैसे वापस करो या फिर सायु के साथ ना मेरी जो मीटिंग है वो फिक्स करो, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं जीबू बेचारा फंस चुका होता है, कह रहा होता है कि यार मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता, मैं उसे बुलाऊंगा तो उसका ट्रस्ट वगैरह टूट जाएगा। अरे इसमें क्या झूठ है यार, देख तू मेरे को बुला रहा है ठीक है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे ये सब कोइंसिडेंट हो रहा है। वो पर्सन कह रहा होता है क्या कोइंसिडेंट, भाई वो स्मार्ट है वो समझ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि जीबू देख तुझे पता है आखिर तुझे वो जो हुआंग ली हुए आखिर तूने उसके साथ किस क्यों नहीं करी है। अब वो पर्सन कह रहा होता है क्या क्यों नहीं करी है। अब हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है। चैंग कह रहा होता है कि बेटा मैं तुझे बताता हूँ। अब हम देखते हैं वो उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है क्योंकि तू लड़कियों को नहीं समझता है, तुझे पता है मैं सायु के पास मतलब क्लोज जाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम आ रही है वो, और वो ना जानबूझ के ऐसा कर रही है। तुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसके मन में मेरे प्रति बहुत फीलिंग जरूर है। अब वो कह रहा होता है कि जब वो मेरे को देखेगी तब वो खुशी होगी समझा। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि यार मेरे को पता है कि मैं लड़कियों को नहीं जानता लेकिन फिर भी यार ऐसा सही थोड़ी ना है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, आखिर मुझे जो हुआंग ली है वो चाहिए, मैं चाहता हूँ ना कि वो मेरे साथ ना आए लेकिन यार वो तो मेरा मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करती। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देख तू ना तू भी खतरनाक बंदा बनना स्टार्ट कर दे, मतलब तू उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दे यार, जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तब तक वो तेरा साथ नहीं देगी ठीक है, अगर तू ऐसा करेगा तो वो तेरे साथ मतलब वो करेगी जो तू चाहता है। तभी हम देखते हैं जो जीबू होता है ना वो इंटरनेट कैफे पर आया होता है और हम देखते हैं वो हुआंग हुई का जो मैसेज का रिप्लाई देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई उसका मैसेज आया होता है, वो खुश हो जाता है, कह रहा था कि वाह फाइनली मैसेज तो आया कम से कम। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि वो पर लड़की कह रही होती है क्या क्या तुम चाहते हो कि सारे जो इतने डिपार्टमेंट के बंदे हैं उन सबको हटा दिया जाए रिमूव कर दिया जाए। चैंग कह रहा होता है कि हाँ देखो मैंने ऑलरेडी बोला था मैंने उन लोगों को डिनर पर इन्वाइट किया था लेकिन इन लोगों ने मेरी बात को ना सीरियसली नहीं लिया और इन्हें क्या लगता है कि मेरी जो वैल्यू है मेरी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि अरे उन लोगों ने तुम्हें लाइटली ले लिया होगा, उन्हें नहीं पता तुम्हारे बारे में। लेकिन हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो मैं नहीं जानता कि वो मेरे को जाने पहचाने लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उन सबको मेरे को चेंज करना है, बात खत्म, अगर वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मैं चेंज कर दूंगा। अब चैंग ये बात बोल रहा होता है, अब वो कह रहा होता है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं करना, वैसे भी हमें करना क्या होता है, काम क्या है एक्सटर्नल डिपार्टमेंट का, वैसे इवेंट के दौरान हमने 1,000 रुपये बचा लिए थे ना तो ठीक है इस बार मैं करने वाला हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तो बकवास करना बंद करो ठीक है और मैं ना नए लोगों को रिक्रूट करने वाला हूँ। अब हम देखते हैं चैंग ये बात बोल रहा होता है, ये दोनों अग्री कर जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो चैंग है ना उसने सब लोगों को निकाल दिया है,
क्योंकि भाई वो ऐसा चाहता है, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है। फिलहाल हम देखते हैं यही सारी बातें हो रही होती है। वो बता रहे होते हैं कि नो मैटर कि आखिर वो स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, कौन है, अगर एक बार चैंग हैन चैंग कन्वेंस हो गया ना, फिर वो तुम्हें ना सीक्रेटली ऑसम वगैरह बोलेगा, मतलब अवार्ड वगैरह देगा। इस टाइप की बातें हो रही होती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की ना कह रही होती है कि ये लो, ये लिस्ट है जो नए लोगों को हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं चैंग उन सभी फाइलों को वगैरह चेक कर रहा होता है, तभी उसे ना एक लड़की की फोटो मिलती है। वो कह रहा था कि लो सुआंग आखिर ये भी यहाँ पर। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि क्या आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे ये लियू सुआंग है जो कि बहुत अच्छी लड़की है, और ये ना काफ़ी मतलब फ्रेशर है और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका, ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है। चैंग कह रहा होता है कि नहीं इसे हटाओ, इसे डिसमिस करना होगा। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना हम क्यों हटा रहे हैं उसे, रीज़न नहीं है हमारे पास। चैंग कह रहा होता है कि नहीं मुझे इसे हटाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे इसे हटाना है। चैंग ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो इस लड़की को देखता है, वो लड़की भी उसे देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर देखो मैं वैसे भी डिप्टी मिनिस्टर नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, ओके। चैंग कह रहा था कि यार ये लड़की कैसे है, कह रहा था कि ठीक है ऑलराइट ऑलराइट। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि यार शिट ठीक है मेरे को प्राइवेट रूम चाहिए, मैं इंटरव्यू वगैरह रखूँगा। अब हम देखते हैं इंटरव्यू वगैरह चल रही होती है। हम देखते हैं सब लोग आ चुके होते हैं, जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं वन बाय वन करके। सब लोग बोल लेते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा कोर्स ये है वगैरह वगैरह। अब एक पर्सन कह रहा था कि मेरा नाम ये है, दूसरा पर्सन कह रहा था कि वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा नाम भी ये है और मैं भी यहीं से आता हूँ। अब चैंग उस लड़की को देखता है, वो लड़की कह रही होती है कि मेरा नाम लियो सुआंग है और मैं भी गैंगचैंग नंबर वन स्कूल से आई हूँ। अब वो ये सारी बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि पता है तुम्हें मैं यहाँ पर एक लड़की की वजह से आई हूँ। अब वो ना अपनी स्टोरी बताने लगती है, कह रही होती है कि पता है मेरे को कुछ लोग ना बहुत पहले छेड़ रहे थे। अब वो बता रही होती है कि उस टाइम पर मेरा एक सीनियर था, उसने मेरी हेल्प करी थी और उसने मुझे ऐसा कन्वेंस कर लिया था कि मैं उसके साथ फॉल इन लव हो टाइप का हो जाऊँ, लेकिन एट द एंड उस लड़के ने उस सीनियर ने उन लड़कों को मारा था, तो फिर जो स्कूल वाले ना उसने उस लड़के को पनिशमेंट वगैरह देने के तैयार हो गए थे, बट एट द एंड वो लड़का बच जाता है। उस दिन के बाद से मैं आज तक किसी भी लड़के के साथ प्यार में नहीं पड़ी, क्योंकि उस लड़के ने मेरा प्यार जीत लिया था और वो लड़का ना इसी कॉलेज में है। अब दूसरी लड़की पूछ रही होती है क्या तुम उस सीनियर से मिली, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैंने उसे देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि उसका कोई ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जैसी बात बोलती है ना, दूसरी लड़की कह रही थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो इतना पत्थर दिल इंसान है। हाँ कितनी बेशरम वाली बात है, सच में मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम ना उसकी गर्लफ्रेंड छीन लो। अब ना मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से सुझाव दे रहे होते हैं, तभी चैंग बीच में आता है, कह रहा था ये गाइस सुनो वो सीनियर में भी हो सकता है कि वो फाइट इसीलिए उसने करी हो, मतलब बिना कोई इंटेंशन से फाइट करी हो ना, सिंपल सी बात है, उसे वो लड़की नहीं पसंद, सिंपल। तभी वो लड़की कह रही थी कि आखिर वो लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, उसने उस लड़की का दिल जीत लिया है और कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब इंप्रेस ही मत करो या तो। अब हम देखते हैं वो ना चैंग से फाइट कर रही होती है। चैंग कह रहा होता है कि क्या आखिर इसमें कौन सा लॉजिक है यार, आखिर इसमें कौन सी फीलिंग। अब चैंग सोच रहा होता है कि यार मैंने तो बस ऐसी मिस्टेकली पीपल को बचा लिया था। फिलहाल हम देखते हैं वो ना उस लड़की को देख रहा होता है, भाई वो लड़की चुपचाप मतलब खा पी रही होती है। एक मिनट, खा भी रही है या मीटिंग हो रही है, क्या चल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि वो लड़का और कोई नहीं है, वो बॉस चैंग है। अब हम देखते हैं वो लड़की बता देती कि वो और कोई नहीं बॉस चैंग है। अब वो जैसी बात बोलती है ना, हम देखते हैं दूसरी लड़की कह रही थी कि थैंक यू सो मच, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि वो लड़के आप होंगे, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना। अब हम देखते हैं वो माफ़ी वगैरह मांग रही होती है जिस लड़की ने उसके ऊपर बोला था चैंग के ऊपर। तभी हम देखते हैं इनकी जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब कुछ ओवर हो चुका होता है, अभी ये लोग बाय 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 बोल के जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो रात बाहर आ चुका होता है कॉलेज से। अब हम देखते हैं वो वॉक कर रहा होता है उस लड़की के साथ, लियू के साथ। चैंग कह रहा होता है कि बहुत समय के बाद हम लोग वॉक पे आए हैं, तुम्हें नहीं लगता है ऐसा, बताओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो कह रही होती है कि देखो क्या अगर 101 में जो लड़की है वो नहीं होगी तो क्या तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे, भाई इसका तो जवाब यही होता है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कुछ नहीं बोलता, कह रहा होता है कि नहीं देखो मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, ठीक है मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिलहाल हम देखते हैं चैंग ये बात बोल के जाने लगता है। अब हम देखते हैं वो लड़की ना बस चैंग को जाते हुए देख रही होती है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं 101 का रूम दिखाई देता है जहाँ पर सैन काम कर रही होती है। फिलहाल वो लड़की इसके पास आ चुकी होती है, वो कह रही होती है कि हेलो सीनियर, क्या आपने मुझे पहचाना, क्या मैं आपको याद हूँ। अब चैंग उसे देखती है, वो हाय हेलो कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं, तभी हम देखते हैं सैन उससे पूछने लगती है क्या तुम यहाँ पर कुरियर डिलीवरी करने के लिए आई हो, बताओ एक मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए ना पानी का गिलास लेकर आती हूँ। अब सैन ये बात बोल के खड़े होकर जाने लगती है। अब वो लड़की ना बस उसे देख रही होती है जो ली होती है। फिलहाल हम देखते हैं सैन उसके पास एक पानी का गिलास लेके आ चुकी होती है और वो उसे दे रही होती है। अब वो लड़की लेती है और देख रही होती है, कह रही होती है कि देखो मेरा नाम ना लियो सुआंग है और मैं भी चैंग के सेम स्कूल में पढ़ती थी हाई स्कूल में। अब वो ये बात बोलती है, सैन उसे देख रही होती है, तभी हम देखते हैं वो कुछ नहीं बोल पाती, अब वो मुंडी नीचे कर लेती है। फिलहाल हम देखते हैं जो लियो होते हैं ना, वो कह रही थी कि सीनियर सिस्टर देखो आप नर्वस मत हो, ठीक है क्या हम कैफेटेरिया में कुछ खाने पीने चलें, देखो मुझे भूख लग रही है। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि चलो चलते हैं साथ में डिनर वगैरह करते हैं। अब वो सैन को ये बात बोलती है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग कैफेटेरिया में आ चुके होते हैं और हम देखते हैं जो सैन होती है ना वो एक ही चीज़ बार बार ऑर्डर करे जा रही होती है। अब वो
एक ही चीज़ को बार बार ऑर्डर कर रही आ रही होती है, और हम देखते हैं जो लीक होती है ना, वो पूछ रही होती है कि सीनियर सिस्टर आखिर आपको हुआ क्या है, आप चाहती क्या हो। अब वो उससे ये पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो सहन होती है वो अभी भी कह रही होती है कि देखो मुझे डर लग रहा है क्योंकि जब मैं कुकिंग वगैरह करूँगी तो मैं भूल ना जाऊँ या फिर मैं स्टक ना हो जाऊँ इस टाइप की। अब वो लड़की देख रही होती है, कह रही होती है ये क्या चल रहा है। फिलहाल वो उससे पूछ रही होती है कि सीनियर सिस्टर आखिर आप चाहती क्या हो। अब वो उससे ये पूछ रही होती है, तभी हम देखते हैं लुआ चिड़ते हुए बोलने लगती है कि आखिर तुमसे चाहता क्या है, क्या तुम्हारी फिगर और बॉडी क्या ज़्यादा अच्छी है इसीलिए, या फिर तुम्हारी ब्यूटी पे अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं सैंग कह रही होती है कि एक्सक्यूज़ मी आंटी, मेरे को ना ये चिप्स चीज़ें चाहिए। आंटी उसे देखती है, कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए। अब हम देखते हैं वो उसे दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो सैन होती है उसने उसका जवाब ही नहीं दिया होता। सैन कह रही होती है कि देखो तुम ना बाद में पॉइंट आउट करना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, इट्स ओके। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं कैफेटेरिया में बैठ के खाने के लिए। वो लड़की पूछ रही थी कि सीनियर सिस्टर क्या आप यहीं पर आके खाती हो हमेशा, मतलब ये प्लेस देखो तो ज़रा। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती नहीं, जो सहन होती है वो अभी भी खाई जा रही होती है खाना पीना। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है अपने मन में, जो ली होती है वो कह रही होती है कि आखिर चैन जैसा इतना हाई स्टैंडर्ड बंदा आखिर इस लड़की के साथ मेरे को तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। फिलहाल हम देखते हैं जो सहन होती है ना वो कह रही होती है कि देखो मुझे ना कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मेरे को भी चलना है, मेरे को वैसे भी कोई काम नहीं है। अब हम देखते हैं जो सहन होती है ना वो पूछ रही होती है कि अंकल आपने ये एप्पल वगैरह कितने का दिया, अंकल रेट वगैरह बता देते हैं। लेकिन हम देखते हैं ना जो सहन होती है वो बड़ा वाला एप्पल उठा रही होती है, मतलब छोटा वाला। अब वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर आपने ख़रीदा बड़ा वाला सेब है लेकिन आप जो रेट है वो छोटे वाले सेब के बारे में पूछ रही थी, ऐसा क्यों। लेकिन हम देखते हैं सहन ना बेचारी कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप बस सेब जो है ख़रीद रही होती है। वो कह रही होती है कि अरे क्या ये सीक्रेट है क्या जो तुम मेरे को नहीं बता सकती या किसी और को नहीं बता सकती। लेकिन हम देखते हैं सैंग अभी भी कुछ नहीं बात बोल रही होती उसे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो जो ये बड़ा वाला है ना वो चैन के लिए है और जो छोटा वाला है वो मेरे लिए है। अब जो सैन है वो ये बात बोलती है। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना हम देखते हैं भाई उस लड़की के दिल पर बात चुप जाती है। वो लड़की कह रही होती है क्या। अब वो ना बहुत ज़्यादा सोक्ड हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग अपने रूम में आ चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि खैर छोड़ दो, ये बड़ा सेब काटे या छोटा, मैं तो इससे इसका बिहेवियर ऐसा ही है ना, मैं इसे छीन के रखूंगी। अब हम देखते हैं वो जैसी देखती है ना उसे देख के सोक उड़ जाते हैं क्योंकि भाई जो सैन होती है ना उसने बड़ा वाला सेब को छील दिया होता है जबकि वो बड़ा वाला सेब चैन के लिए होता है। अब हम देखते हैं वो उसे देख रही होती है कि इसने इसका छिलका उतार दिया। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि यार ये लड़की कितना दुष्ट है, बहुत चालाक है ये बड़ा वाला सेब उस सीक्रेटली खा जाएगी और बाद में चैन को ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे ये छोटा वाला सेब खा रही है, सच में बहुत चालाक है ये, मैं इसका असली चेहरा ज़रूर उसके सामने लेकर आऊँगी। अब हम देखते हैं वो ये प्लान वगैरह सोच रही होती है, बट हम देखते हैं भाई जो सैन होती है ना वो बड़ा वाला सेब वो उसे दे रही होती है उस लड़की को। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही उसे देती है वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या क्या ये मेरे लिए था, थैंक्स थैंक्स। अब हम देखते हैं वो थैंक्स बोल रही होती है और उस सेब को खा रही होती है। वो कह रही होती है यार ये कितना मीठा है। अब हम देखते हैं वो सेब वगैरह खा रही होती है, तभी हम देखते हैं जो सैन होती है ना वो छोटा सेब खा रही होती है। वो पूछ रही होती है कि सिस्टर आखिर आपने उसे छीला क्यों नहीं है। सैन बता रही होती है कि मेरे को छिले हुए सेब ना पसंद नहीं है, मैं ऐसे नहीं खाती। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की देख रही होती है उसे, तभी हम देखते हैं वो गमले को भी देख रही होती है और दोनों गमले को एक साथ देख रही होती है। पहले उसे एक सिंगल गमला दिखाई दिया और दूसरा जोड़े में दिखाई दे रहा होता है। वो कह रही होती है कि देखो तुम ना बहुत सुंदर हो और आज से पहले मतलब मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी, लेकिन एक लड़की थी जो मेरे स्कूल में थी वो आपको कंपेयर कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं जो सैन होती है वो थैंक्स बोल रही होती है। वो कह रही होती है कि हालांकि देखो मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए। अब वो फेवर ही मांग रही होती है, कह रही होती है क्या आप ब्रदर चैन को मेरे लिए छोड़ सकती हो, देखो मैं ना उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब वो कह रही होती है कि मैं और भी कॉलेज में जा सकती थी लेकिन मैं बस उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ और आप प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे वो बहुत पसंद है, इतना कि कोई और उसे पसंद ही नहीं कर सकता। वो ये सारी बात बोल रही होती है सैन से। अब सैन ना उसे बस देख रही होती है और सुन रही होती है आखिर ये क्या बोल रही है। फिलहाल हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं जो लिनी होती है ना वो भी आ चुकी होती है। अब वो जैसे ही अंदर आती है वो देख रही होती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। अब हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बहुत उसे बताती ही नहीं है। फिलहाल वो खड़ी होती है, कह रही होती है कि वेल सीनियर सिस्टर देखो मैं जा रही हूँ और मैं बस आपके जवाब का वेट करूँगी, ओके। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल के जाने लगती है, मतलब भाई कितनी रूड लड़की है। खैर हम देखते हैं वो लड़की चुपचाप जा चुकी होती है। अब लिनी उसे देख रही होती है जाते हुए। फिलहाल हम देखते हैं वो सैन को कुछ बोलती है, कह रही होती है कि आखिर इस लड़की ने क्या बोला तुमसे, देखो नेक्स्ट टाइम ना तुम इस लड़की से थोड़ा दूर रहना, ठीक है, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं क्योंकि इसका माइंड ठीक नहीं लग रहा मेरे को। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई जो सैन होती है ना वो अंदर ही अंदर रो रही होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि भाई ये ना उसके चैन को छीनने की बात कर रही थी। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे दुखी तो हो रही होती है, अब क्या कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं सीन से पत्र में ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम देखते हैं जो जियालिंग होता है वो कह रहा था कि उप्स जीवो देखो आज का एयर फ्रेशर कितना अच्छा है, हाँ मज़ा आ गया। सच में जब चैंग नहीं होता ना चैंग के बिना कितना मज़ा आता है, मेरा मूड कितना अच्छा है देखो ज़रा। लेकिन हम देखते हैं पीछे से चैंग आता है, वो कह रहा था कि जियालिंग देखो अगर तुम्हें ना मेरी तारीफ करनी है तो मेरे मुँह पर करना, ठीक है आगे से।
ऐसे पीठ पीछे तारीफ करने का क्या फ़ायदा। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन देख के हैरान हो जाता है, कह रहा था तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम आखिर तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि मेरे को ऑब्वियसली साइयो ने इन्वाइट किया है। वो कह रहा था कि झूठ झूठ बोल लो ना। लेकिन हम देखते हैं एक लड़की उसके पास आती है वेटर वाली, कह रही होती है कि हेलो आपके 4 युआन हो गए। चैंग कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो तुम उसे कॉल करके पूछ लेना या फिर बाद में पूछ लेना। वो बंदा कह रहा था कि शिट आखिर उसने कैसे बुलाया। फिलहाल हम देखते हैं चैंग ना उसी का पैसे मतलब पर्स के पैसे लेके उस लड़की को दे रहा था, कह रहा था कि देखो चुल्ले जो खुले पैसे होंगे वो तुम रख लेना। वो लड़की थैंक्स बोल रही होती है। वो पर्सन कह रहा था कि अरे ये पैसे ना मेरे बटुए का है और जो ये बटुआ है ये भी मेरा है और जो तुम पैसे दे रहे हो वो भी मेरा ही है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। चैंग कह रहा था कि अरे देखो जरा तुम कितने दुष्ट हो यार, मेरी बहन कितना काम करती है इतना हार्डवर्क करती है, क्या तुम उसे थोड़ा टिप्स वगैरह नहीं दे सकते, बताओ कितने दुष्ट हो यार तुम। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कुछ बोलता ही नहीं है। तभी चैन बोलने लगता है कि अगर तुमने उसे पैसे नहीं दिए ना तो मैं साइयो को कॉल कर दूंगा। वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है भूल जाओ दे दो उसे। अब जीबू इन लोगों को देख रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जियालिंग साइड में देखता है, वो देखता है कि साइयो आ चुकी होती है। वो कह रही थी कि ओ फेस इधर 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 हम लोग यहाँ पर हैं, वो आ गई। अब वो बहुत ज़्यादा ब्लस कर रहा होता है और खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं चैंग भी उस लड़की को देख रहा होता है। अब वो ना और कोई नहीं साइयो होती है, बड़े दिनों के बाद इसे मिल ली होती है एक्चुअली में। फिलहाल हम देखते हैं साइयो ना अपनी फ्रेंड के साथ में आई होती है, ये इसकी क्लासमेट होती है और जो इसके साथ में मतलब होटल में पढ़ती है। फिलहाल हम देखते हैं दोनों की दोनों आ चुकी होती है दोनों के पास में। अब चैंग उसे देखता है। अब हम देखते हैं जो साइयो होती है ना वो भी चैंग को देख रही होती है। अब मुझे नहीं पता कि आखिर असली में मतलब साइयो ने उसे बुलाया या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो सोच रहा होता है कि शिट यार बहुत बुरा हुआ अगर इसने मुझे बोल दिया कि बहुत लंबे समय के बाद देखा, फिर तो सच में यार ये मेरे से नाराज़ नहीं है, इस टाइप का फील आएगा, शिट शिट ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं साइयो यही बात बोल रही होती है, कह रही थी कि बहुत लंबे समय के बाद मैंने तुम्हें देखा है। अब वो ये बात बोल रही होती है लेकिन हम देखते हैं वो एट द एंड बोलती है जीबू और जियालिंग। अब वो जियालिंग को बात बोलनी होती है। फिलहाल हम देखते हैं चैंग ये देख रहा होता है और हम देखते हैं भाई उसने ना चैंग का नाम नहीं लिया होता। अब ये सुन के जो जियालिंग होता है ना वो कह रहा था कि वाह साइयो ने उसे इग्नोर कर दिया, चैंग हैन चैंग को इग्नोर कर दिया, सच में कितना मज़ा आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को, हे। अब हम देखते हैं वो खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं चैंग भी खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि साइयो ने मेरे को इग्नोर कर दिया, अब मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब इसे पता नहीं क्यों कंफर्टेबल फील टाइप का हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं साइयो कह रही होती है कि देखो ये ना मेरी रूममेट है, ठीक है ये मेरे साथ ही पढ़ती है, इसका नाम बियांग सीसी है। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हेलो मेरा नाम बियांग सीसी है, तुम तो मुझे साउसी बुला सकती हो। वो कह रही होती है कि हेलो साउसी, चलो आपको क्या खाना पसंद है बताओ। अब हम देखते हैं ये लोग ऑर्डर वगैरह कर देते हैं। तभी जियालिंग ने नमक में घी डालता, वो कह रहा होता है कि बाय द वे साइयो आखिर तुमने अपना जो कॉलेज है वो ट्रांसफ़र क्यों किया, कहीं तुम किसी से गुस्सा तो नहीं हो गई थी बताओ। लेकिन हम देखते हैं साइयो कह रही थी कि अरे आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई मेरे को गुस्सा दिला दे और मैं उससे मतलब कॉलेज छोड़ के चले जाऊं या दूसरे कॉलेज में चले जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है तुम्हें मेरा जो बिजनेस लो है ना मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगा था और दूसरे कॉलेज में वो था तो मैं इसीलिए चली गई, क्योंकि बाद में मेरे को वो बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है, काम में भी आएगा। तभी हम देखते हैं जो चैंग होता है ना वो कह रहा था कि शिट मेरा सीना बहुत टाइट हो रहा है और मुझे सिगरेट की तलब लग रही है। अब वो ऐसा सोच रहा होता है और हम देखते हैं वो जो टैक्स होता है ना उस पर टैप टैप कर रहा होता है। अब वो ऐसा टैप टैप कर रहा होता है, हम देखते हैं साइयो भी उसे देख लेती है। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना उसे ना बहुत ज़्यादा तलब लग रही होती है सिगरेट की। अब ऐसा साइयो को पता होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो देखती है और कह रही थी कि जीवू देखो मैं मानती हूँ कि तुम्हें सिगरेट वगैरह पसंद है और तुम स्मोक भी करते हो, लेकिन मेरे को मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम स्मोक करना चाहो तो कर सकते हो। जीबू देखता है कह रहा था कि अरे मेरे को स्मोक मेरे को तो नहीं करनी, लेकिन हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि अरे करो करो स्मोक करो, वैसे भी हम लोग बहुत पुराने क्लासमेट हैं, छुपाने की क्या बात है। अब हम देखते हैं फटाफट वो लाइटर निकालता है और स्मोक करने लगता है। फिलहाल भाई साइयो ने ये जानबूझ के बोला होता है। तभी हम देखते हैं जीबू भी सिगरेट पी रहा होता है और हम देखते हैं जो लड़की होती है ना जो साइयो की दोस्त होती है वो देख रही होती है जीबू को और कह रही होती है कि क्या ये लड़का पागल है क्या, मतलब अपने में लगा पड़ा है। अब हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड होती है ना वो ये सोच रही होती है कि भाई ये लड़का तो अपने में लगा पड़ा है, मतलब इसका वो इंटेंशन तो नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। अब हम देखते हैं वो उन दोनों को देखती है, वो कह रही होती है कि ये दोनों सच में कॉम्पिटिटर लग रहे हैं, मतलब हो सकता है ये दोनों स्किनी गाय हैं लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये दोनों साइयो के पीछे पड़े हुए हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन बोल रहा होता है कि देखो दो ब्यूटीफुल लड़कियों के सामने सिगरेट करना मतलब स्मोकिंग करना बहुत बेकार है। अब ये दोनों चुप हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो कह रहा होता है कि जी आंगलिंग देखो तुम ना पहले के जैसे ही हो, अभी तक नहीं बदले, सच में तुम बहुत जेंटलमैन हो और स्मोक नहीं करते ड्रिंक भी नहीं करते, साथ साथ में तुम पता है लड़कियों का जो मील होता है मतलब उसकी जो पेमेंट होती है वो भी तुम ही कर देते हो। अब वो जैसी बात बोलता है हम देखते हैं साइयो हंसने लगती है बहुत ज़्यादा, कह रही थी कि थैंक यू सो मच जियालिंग सीसी अभी भी सिंगल है। फिलहाल हम देखते हैं साइयो ये बात बोल रही होती है और जैसी ये बात बोलते हैं ना उसकी दोस्त चिढ़ जाती है, कह रही थी कि अरे तुम भी तो सिंगल हो फिर तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिया, मेरा नाम क्यों लिया। अब हम देखते हैं ये लोग झड़ रहे लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं, चैंग कह रहा होता है कि अरे वेरी वेल वेरी वेल। अभी जीबू इन दोनों की फाइट वगैरह देख रहा होता है और ड्रिंक करता हुआ सोच रहा होता है कि देखो अभी जो साइयो चैन है और जो साइयो है इन दोनों की फाइट अभी चल रही है और ये बंदा बीच में मतलब ऐसे आ रहा है जैसे पता नहीं क्या बोलूँ मैं, खैर कोई बात नहीं इसी के ये खिलाफ नहीं आना चाहिए। तभी हम देखते हैं ये सीन से प्रकार में दिखाई देता है कि ये लोग ना स्पाइसी हॉट पॉट पर आ चुके होते हैं रेस्टोरेंट में।
अब हम देखते हैं वो ना जैसे अंदर जा रहे होते हैं वैसे पीछे से आवाज आती है, मिस सायू, मिस सीसी। अब हम देखते हैं पीछे से उसके दोस्त होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस आप लोग यहाँ पर। फिलहाल सीसी कह रही होती है कि देखो अगर यहाँ पे सायू नहीं होती ना फिर तुम लोग ना मेरे को इग्नोर कर देते हैं ना, है ना, ऐसा प्रिटेंड करते जैसे तुमने मेरे को देखा ही नहीं है। तभी वो एक लड़की कह रही होती है कि अरे ब्यूटी आखिर तुम यहाँ पर कैसे बताओ। अब जो चैन होता है ना वो सोच रहा होता है कि सायू सच में बहुत पॉपुलर है जैसे पहले हुआ करती थी। अब हम देखते हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं एक पर्सन आता है, वो कह रहा था कि सायू देखो मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। सायू मना कर रही होती है, कह रही थी कि नो थैंक्स। अब ठीक 20 मिनट के बाद भी हम देखते हैं एक पर्सन और आता है, वो भी सायू को कुछ ना कुछ दे रहा होता है। अब चैंग ये देखता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा, ऐसा लगता है जैसे मेरे को ना इस बार भी फिर कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं भाई चैन के ना गले में एक बहुत बड़ी चांदी की जो चेन है वो दिखाई दे रही होती है। चैंग सोच रहा होता है कि मेरे को इस बार कुछ करना पड़ेगा जिससे सारे लोग ना उसे परेशान ना करें। फिलहाल हम देखते हैं इनका खाना पीना हो चुका होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि वाओ इस बार तो जो इसका हॉस्टल है ना वो मेरे रास्ते में पड़ने वाला है, तो चलो मैं सायू को छोड़ देता हूँ। अब ऐसा जियालिंग बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बाय बाय तुम लोग रोड पर ध्यान देना। अब चैंग सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना चीप है यार, सच में बहुत बुरा है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन ना सायू के साथ जा रहा होता है। अब हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो सायू को दूर से ही देख रहा होता है। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि काश मुड़ के ये देखे, लेकिन हम देखते हैं भाई वो लड़की नहीं मुड़ के देखती। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मैं ना आप लोगों को कुछ बातें अपनी रिवील करने वाला हूँ। पहली बात यह है कि भाई मैं ना बिना स्क्रिप्ट की वीडियो बनाता हूँ, मतलब बिना स्क्रिप्ट के, समझ रहे हो ना। और मैं बताऊँ तो जो ये वाला मानवा है ना इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा हरकतें हो रखी हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जो इसके फॉन्ट है वो रीडेबल नहीं है, मतलब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो पढ़ने में आती नहीं है और बहुत ज़्यादा मिस्टेक वगैरह होती है वॉइस ओवर करने के टाइम पे। तो इसलिए ना भाई इस माले मानवा को कम से कम बनाने में मेरे को कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, मतलब बाकी मानवा बनाने में मतलब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, हाँ, बट इस वाले मानवा को थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। तो यार इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए तुम लोग ना मतलब ऐसे मत बोलेगा कि भाई वीडियो नहीं डालना ये वो प्लान डमकाना, ठीक है। वैसे मेरे को एक बात और बोलनी थी जो कि मैं भूल गया, जब याद आएगा तब बताऊंगा। बाकी हाँ मेरे आज कॉलेज की छुट्टी थी तो मैंने 1 घंटे की वीडियो बना दी है, तो मजे लो और क्या यार। बस हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।